दोस्तों, आपसे कुछ बात कहना चाह रहा हूँ, आपसे कुछ आग्रह करना चाह रहा हूँ। दखल के माध्यम से मैं अपना यह संदेश आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। दरअसल आज हम जिस एक विकट संकट से जूझ रहे हैं, कोरोना के संकट से जूझ रहे हैं, उसमें आप सबका साथ और आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है। भले ही मध्य प्रदेश की सरकार बहुत अच्छे से काम कर रही हो, शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में बहुत सजगता के साथ में कोरोना को नियंत्रित करने की कोशिशें हो रही हैं, केंद्र सरकार लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन इस सबके बावजूद भी जब तक समाज खुद अपनी जवाबदारी के साथ आगे नहीं बढ़ेगा, तब तक चीज़ें एकदम परफेक्टली कंट्रोल नहीं हो पाएंगी। ज़्यादातर लोग, या कहा जाए 99% लोग कोरोना को लेकर लॉकडाउन का पूरा पालन कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग इससे बेखौफ नज़र आ रहे हैं। उनकी जो बेतकल्लुफ़ी है, उनका जो एक अंदाज है, वो हैरान और परेशान करने वाला है। लॉकडाउन तोड़ने की कोशिशें होती हैं, बच्चों को तफरी कराने की कोशिश होती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा चिंताजनक बातें तो इंदौर जैसी घटनाओं से आती हैं, जहां पर हेल्थ वर्कर्स के साथ में, पुलिस के साथ में बदमिजाजी और बदतमीजी की जाती है, उन पर हमले किए जाते हैं। ये देवदूत हैं डॉक्टर्स हमारे, और आप आश्चर्य पड़ जाएंगे, आपकी जानकारी में वैसे होगा ही कि हमले के दूसरे दिन फिर वही दोनों लेडी डॉक्टर अपने काम पर मौजूद थी। ऐसे में आप सबका ये फर्ज बनता है कि लेडी डॉक्टर्स को, पैरामेडिकल स्टाफ को, डॉक्टर्स को और दूसरे लोगों को साथ में आप पुलिस के साथ में सहयोग करें, सहकार करें। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।